सबके घर में अगले हफ्ते सपोर्टर वीक मनाया जाने वाला है, यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के कनेक्शन, फैमिली मेंबर्स या फिर यूं कहें दोस्त घर के अंदर आएंगे और उन्हें सपोर्ट करते नजर आएंगे। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के घर वाले और दोस्त एक हफ्ते तक रहेंगे और इस दौरान कंटेस्टेंट्स के साथ उनके गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें फिनाले तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम आपको अपने पिछले वीडियोज में ही बता चुके हैं कि बिग बॉस के घर में 7 से 8 एंट्रीज होने वाली है, जिसमें टीवी के कई बड़े नाम शामिल है जो बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस बीच ये खबर भी आई थी कि राहुल वैद्य को सपोर्ट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाली है। लेकिन लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा परमार ने राहुल के सपोर्टर बनने से कर दिया है इनकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिशा परमार ने अपने इंटरव्यूज में साफ कह दिया है कि वो राहुल वैद्य की सपोर्टर बनकर बिग बॉस के घर के अंदर नहीं आएंगी। दरअसल राहुल वैद्य को लेकर दिशा परमार का कहना है कि अगर वो बिग बॉस के घर के अंदर आती हैं तो इससे राहुल वैद्य के गेम पर इफेक्ट पड़ सकता है और वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरीके से राहुल वैद्य के गेम पर कोई भी इफेक्ट पड़े और उनका गेम खराब हो, जिसके चलते उन्होंने मेकर्स को मना कर दिया है कि वो राहुल वैद्य की सपोर्टर नहीं बनेंगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब दिशा परमार ने राहुल वैद्य की सपोर्टर बनने से इनकार कर दिया है तो अब घर के अंदर राहुल वैद्य को सपोर्ट करने के लिए किस सेलिब्रिटी को लेकर आया जाता है, यानी कि राहुल वैद्य के लिए कौन बिग बॉस के घर के अंदर आएगा ये अब क्लियर नहीं है। माना जा रहा है कि राहुल वैद्य का कोई फ्रेंड या फिर टीवी का कोई नाम बिग बॉस के घर के अंदर राहुल वैद्य को सपोर्ट करने के लिए आ सकता है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या राहुल वैद्य के लिए दिशा परमार को बिग बॉस के घर के अंदर आना चाहिए था, कमेंट करके बताएं। वहीं अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।